सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुजूर? बढ़िया साहब। क्या होने वाला है? प्रोग्राम देखने आए। मैं कम करूं तो कहां से कम करूं, करूं तो कहां से कम करूं। और 24 में क्या होगा गुरुजी? 24 में भाई होगा जो 3 साल से जो मोदी सरकार आएगी फिर दोबारा। 24 में? 24 में मोदी सरकार आएगी जी। नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे कि मंदिर के बारे में पूछा। मंदिर के लिए मेरा भी इरादा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। 15,000 करोड़ से ज्यादा मेरे दिमाग में जो सबसे, ये निश्चित तौर से मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुझे भी वो खबर अच्छी लगी। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, 14 तारीख से मैं भी वहीं पे हूँ अयोध्या में। और सच मानिए आप सारे लोग वहां पे उपस्थित हैं, सारे लोग उपस्थित हैं वहां पे, सारे लोग हैं, सारे लोग, सब शरीर नहीं तो मन से, मन से। और जो देश का नायक है, चलिए ठीक है, किसी को प्रभात जी काम की बात है, आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा, इल्म हो जाएगा तो थोड़ा सा जुड़ ही जाएगा। वो नायक है और उसका नायक का, इस देश के नायक का मंदिर बने, ठीक है, किसी की कोई चीज हो सकती है कि ये नहीं, ये गलत, ये सही, लेकिन इस देश का अगर प्रतीक पुरुष कोई है, नायक है, तो वो राम ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और कोई नहीं। और वो बहुत खुशी और सुखद बात है कि उनका मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जो और खुशी हुई वो ये, क्योंकि मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, वहीं से आता हूं, तो 15,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वहां आने वाले हैं या शुरू हो गए हैं कुछ काम। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वहां के तमाम सारे आसपास के जिलों, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, काम धंधा और रोजगार मिलेगा, मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात। जो लोग आए, कहां से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। अरे बाप रे बाप, बहुत दूर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सारे लोग, आप कहां से आए हैं? पटना बिहार से। पटना तो बगैर तो काम बनता ही नहीं है, बिहार के बगैर कहीं काम नहीं बनता जी। उड़ीसा, ओहो, जय जगन्नाथ जी। बहुत उड़ीसा से आए हैं। और आप जनाब कहां से हैं? हम बुंदेलखंड बांदा से आए हैं, आर्मी के गुरुजी हैं आचार्य प्रेम जी। आचार्य प्रेम जी गुरुजी हैं, आर्मी के गुरुजी। तो आर्मी के गुरुजी का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे आप पोस्टेड हैं? हाँ जी, आर्मी में राष्ट्रपति के द्वारा एक धर्म गुरु का ओहदा होता है, जो मोटिवेशन और मार्गदर्शन और ज्योतिष आदि कर्मकांड आदि कार्य संपन्न जी। बहुत अच्छी बात है, उस ज्योति आर्मी में सारे लोगों के लिए वहाँ पे स्थान है। तो जनाब आपने तो मोर्चा खोल दिया, कुछ कह रहे थे आप? कोई शक नहीं है इसमें। क्या नहीं शक है? 2024 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक बात कि ये मिली जुली सरकारें जो आती हैं या मिली जुली सरकार से काम नहीं चलेगा, बीजेपी। हाँ जी, कहाँ से हैं? भरतपुर राजस्थान से। क्या कहावत कही? कौआ ने के नोचे थे पड़ा ना मरे कर। मुझे समझ में आ गया, हर चीज बताई नहीं जाती है, बाकी लोग समझ गए हैं, भरतपुर के आसपास के लोग, अलवर के आसपास के लोग समझ गए। तो उन्होंने कहा कि ये मिली जुली सरकार से काम नहीं चलेगा, अंदाजा उन्होंने बता दिया। INDIA की तरफ इशारा कर रहे थे, बीजेपी ही सक्षम है। डिबेट आज खोलता हूं और जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, और सबसे पहली बात तो ये कि पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। कल इतवार है और कल शो नहीं करूंगा मैं, परसों नए साल में आपसे मुलाकात होगी। तो नए साल की सबको बहुत बहुत, और आप लोगों का 2023 में जो सहयोग मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत स्वागत है आपका, और बधाई भी देता हूं कि 24 आपके लिए बहुत सुखद हो, आप सभी के लिए। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेन दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वस्त जी, थैंक यू सो मच पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रभात कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सोम जी समाजवादी पार्टी के, आज पहली बार शरीक हो रहे हैं शो में, इसलिए ताली बजा के, जो रिवाज है हमारा, स्वागत करिए इनका, जोरदार ताली बजाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी रहे हैं
और हमारे साथ काम भी किया है इन्होंने, और अब ये कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। वह लखनऊ से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब पसमांदा समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले नवल भैया कहाँ गए? आ गए तुम, बहुत अच्छी बात जी। कल नहीं आए, कल नहीं आए, कोई बात नहीं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने क्या कहा डिबेट आज आपसे खोलते हैं, आपने कहा क्या 24 में क्या मोदी जी? क्यों मोदी जी? मोदी जी ने क्या नहीं करा, सब कुछ करा। सबसे ज्यादा मुसलमानों को मकान दिए, पैसे दिए बनाने के लिए, राशन मिल जाए, और क्या चाहिए मुसलमानों को? अरे हाय, तो डिबेट तो आज बहुत बिल्कुल खुलती है। मैं आपको रोकता हूँ जी। कांग्रेस से रुको, आराम से मैं आता हूँ, जो हाथ उठाओ मैं आता जाऊंगा जी। कांग्रेस से शुरू करता हूँ, मैंने कहा कि मिली जुली नहीं सरकार बीजेपी की जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा जी। पहली बात तो ये जो एक सैद्धांतिक बात है, और वो ये है कि मिली जुली सरकार बेहतर नहीं होती, ऐसा कहा मोदी जी ने। मेरा ख्याल है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी एक मिली जुली सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार जो 10 साल चली वो भी मिली जुली सरकार थी, जिसमें भोजन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, सूचना का अधिकार मिला, मनरेगा जैसी चीज मिली जिसने भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया, पलायन रोका। अभी जो लोग कोरोना में परेशान होकर वापस गए उनके लिए मनरेगा बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये कहना कि मिलीजुली सरकार बेहतर काम नहीं करती उचित नहीं है। मैं एक बहुत मैं आता जाऊंगा, एक लाइन बस मैं कह दूं कि देखिए भारत की सरकार भारत के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बनती है। अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बनती है और भारत की सरकार होती है तो हमेशा मजबूत होती है, वो कैसे भी बने। बीजेपी का रिस्पॉन्स जी प्रतीक जी, सबसे पहले 22 तारीख को शुभ दीपावली पूरे देश में मनने जा रहा है, ना केवल देश, पूरा विश्व जयकारा लगाने जा रहा है, जय श्री राम, जय जयकारा वीर बजरंगी का, और सबको शुभकामनाएं। दिक्कत क्या है मिली जुली सरकार पे, बड़े अनुभवी प्रवक्ता हैं, मैं बताता हूँ। जो ये खिचड़ी की बनाने की बात कर रहे हैं कि दाल जली रहती है, और जब जली दाल खिलाएंगे तो हाजमा सुधारता नहीं बिगड़ता है देश का, और ये वो खिलाना चाहते हैं। कांग्रेस मतलब खा जाओ देश, इसीलिए हम कहते हैं मिली जुली। मैंने कल भी टोका था कांग्रेस को, आपको आज टोक रहा हूँ, गलत अर्थ निकालिए। क्लियर कर रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा मूवी था अंदाज अपना अपना, उसमें था मास्टर गोगो, आया हूँ तो कुछ ना कुछ लूट के जाऊंगा, ये वही नीति से है, आया हूँ तो कुछ ना कुछ बोलूंगा उठपटांग। आज वो दिन देश नहीं बोला प्रतीक भैया, आज जब राम मंदिर बन रहा है पूरा देश उत्सव में है, तो किसी को पीड़ा भी हो रही है कि भैया कहीं ये क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, सभी लोग प्रसन्न है और सभी लोग बहुत खुश है, है ना? सब नहीं प्रसन्न है, क्यों ऑपोजिशन वाले नहीं पसंद नहीं है उन लोग? सर नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लेके आराम से खड़े रहिए, वही खड़े रहिए जी। उनको जानबूझकर कहीं ना कहीं मीन मेक निकालने का आदत था, हमें मीन मेक निकालने की आदत है। क्या नाम है आपका? 15 साल आपसे कोई पूछेंगे नहीं और कैमरा भी आप तक नहीं आएगा जी। बोले कि कुछ लोग पसंद नहीं है जी। मेरा मानना है ऋषभ भाई, अगर कोई प्रसन्न नहीं होगा आज तो हमारे, मैं सुनता था भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे कि भाजपा के तीन धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर, अटल जी तो महाप्रयाण कर गए, नमन है उनको, लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ उनको जरूर जानते हैं। वैसे ये आपका अपना विषय है, आप अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हो हमें पता है, देश जानता है, लेकिन सनातन धर्म की बात हो रही है, आपने कहा 22 को दीपावली मनाई जाएगी, सोनिया जी जा तो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जाना चाहिए उनको, जा रही है 22 तारीख को, एक व्यक्ति को और जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब मैं प्रभु श्री राम का स्मरण करता हूँ तो मैं कहता हूँ नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। मैं जब भगवान श्री राम का करता हूँ स्मरण, तब कहता हूँ रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है, बड़ा सम्मानित चैनल है, आप तक आवाज जरूर जाएगी, एक अदना सा भारतीय आपसे निवेदन करता है। क्या निवेदन किया? ये तो नहीं कहा राम है या नहीं है, इसका आधार दो पहले। निवेदन तो सुन लीजिए, प्रतिज्ञा निवेदन सुन लीजिए, अगर मेरे निवेदन से आपको या किसी को इस पैनल को आपत्ति होगी तो बता दे। कुछ नहीं, राम का देश है, राम का कोई आपत्ति कैसे होगी, आप बोलिए जी। संत शिरोमणि हमारे देश में, और महान संत हुए और अभी भी संत है, बहुत सारे संत है, वो संत इस बात का देंगे कि मैं सही हूँ गलत हूँ।
सनातन धर्म में अगर आपकी पत्नी जीवित है तो किसी भी यज्ञ में बिना पत्नी के अगर आप यज्ञ पे बैठते हैं वो यज्ञ अपूर्ण होगा, और भगवान श्री राम ने भी कहा है। और इसलिए मैंने दो दो स्मरण दिए, भगवान श्री राम का स्मरण करने से पहले आपको माता सीता का स्मरण करना होता है, राधा के बाद कृष्ण आते हैं, गौरी के बाद शंकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा मानना है, करबद्ध निवेदन है आपसे, आप अपनी धर्म पत्नी जी को लेके ही अयोध्या जाइएगा 22 को और करवाइएगा। आप जवाब देंगे इसका? चलिए, अच्छा जी, आप ही जवाब दीजिए। चलिए, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी दीजिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी स्पीच तो बहुत अच्छी है, पर इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके। इन्हें आना मतलब ये आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत जगह हैं। गलत जगह है, मतलब कहते ना कि गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ये वो लगा रहे। वैसे प्रभात जी, मौका अभी भी है 24 का। नहीं, तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए। कहने वाले तो बहुत सारे कुछ चीजें पूछ सकते हैं अब आपसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, संकीर्णता जो होती है, और इतने बड़े उत्सव में जब मैंने कहा कि वो देश का नायक है, प्रतीक पुरुष है, इस देश की पहचान अगर होगी, कोई हो, हमारे आपके सबके, मौलाना क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम सिद्दीकी। एक मिनट, प्रभात जी चुपचाप। मोहम्मद सलीम सिद्दीकी साहब, आप हो चाहे हम हो और चाहे कोई हो इस देश में, उसका अगर पहचान अगर किसी से है तो वो राम से है, इसके इतर नहीं है। हमारा पुरखा वही है। लेकिन आपकी संकीर्णता प्रभात जी इतनी, मैं उदाहरण कहां से दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं इनकी मनसा समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी परिवार और अपनेपन से बेहतर देश को नहीं समझा। नरेंद्र मोदी जी, देखिए बीच में नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी वो प्रधान सेवक है जिनकी माता जी का देहांत भी होता है, 2 घंटे बाद परिवार को पीछे छोड़कर देश को परिवार समझ के कर्तव्य करने निकल जाता है, जिसके लिए पूरा देश परिवार हो वो तो पूरा देश को लेकर पूजा करने जा रहा है। क्या पत्नी, क्या बेटी, क्या भाई, क्या दादा, क्या दादी, एक एक जनता उनका परिवार है, एक एक जनता उनका घर है। ये नहीं समझ सकते क्योंकि इनके लिए परिवार मंत्री प्रधान है, हमारे लिए प्रधान सेवक खड़ा है, ये अंतर है। और एक बात, जो इंस्टाग्राम के रील के राम भक्त है ना, वो रियल राम भक्त नहीं समझते। रील और रियल, हाँ भाई, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? गोपालगंज से, थावे की से आए हैं। जय हो माँ, बोलो। मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज जी बोलिए। और मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ जी। बोलिए। मेरा एक सवाल है जी, सवाल नहीं, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से सुझाव है जी, कि जैसे जयप्रकाश आंदोलन में सबको जो है पेंशन का प्रावधान किया गया, हाँ जी, उसी तरह से श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए कार सेवक जो जेल में गए थे, जेल भरो आंदोलन किए थे, उनके लिए भी दर्शनार्थ कुछ विशेष व्यवस्था किया जाए। क्या बात है कि जो कार सेवक लगे थे उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? गुड़गांव से। अच्छा, साथी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं कहना चाहते जी। नीति जी बोल रहा, कोई बात नहीं, डिबेट का हिस्सा है, डिबेट में है, मौजूद है, यही बड़ी बात है, उपस्थिति की जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। और सारे विचार आ रहे हैं, आप देखते जाइए और पहचानते जाइए कौन कब कहां कौन सी बात कह रहा है, कि प्रभात जी ने क्या कहा है और ऑटो वाले भैया भी क्या बोलेंगे, सबकी बात पर ध्यान रखिए जी। नीति जी आपका। राम रमेति रमे नामे नमे नामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वीरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो जय श्री राम है। आज आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या धाम में ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल चुका है और आज भगवान राम का जो एक नया स्वरूप अयोध्या में बनने वाला है उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से 500 दिवालियों के बराबर एक दिवाली 22 जनवरी को हम सब बनाएंगे। मैं मोदी जी की बात पे विपक्ष की कुंडली खोलना चाहती हूँ प्रतीक जी आज, और सबसे पहले मैं कुंडली खोलूंगी बिहार की। नीतीश जी ने आज रमन सिंह को निपटा दिया,
जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को ललन सिंह को माफी चाहूंगी ललन सिंह को निपटा दिया, और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को और शरद यादव को अपने टाइम पर निपटाया, और वहीं पे तेजस्वी यादव बेचारे देखते ही रह गए। पुत्र मोह में बेचारे लालू जी का हाल पूछिए तो क्या है, ये विपक्ष की राजनीति है। दूसरी तरफ बंगाल में जाइए, टीएमसी में कैसे अपने भतीजेवाद को, कैसे अभिषेक बैनर्जी को आगे करने के लिए पूरा टीएमसी का उत्तराधिकारी उनको बना दिए। आइए यूपी में तो आ जाइए जरा, मुख्यमंत्री क्या बने भतीजे जी, तो चाचा जी मुख्य चाचा जी भतीजे हो गए, भतीजे जी चाचा जी हो गए। मैं शिवपाल और आपके अखिलेश जी की बात कर रही हूँ। और किस प्रकार से अभी जो स्टेट चुनाव में हमने इन सब गठबंधन का असली स्वरूप देख लिया, कैसे एमपी में अखिलेश जी को वापस भेज दिया, और अब जो ये कह रहे हैं कि कौन से प्रश्न का जवाब बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं बताऊं आपको, शास्त्रीय विधि से बता दूं आपको, मैं बता दूंगा। यत्र तत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सबसे पहले कोई नारी है तो माँ है, अपने माँ के चरण धोकर आज हीरा बहन को अगर आप जानते हैं तो पुत्र के नाम से जानते हैं, नहीं माँ के चरण। जिनका जिनके जोरू न जाता, जिनके जोरू न जाता क्या करें उनके लिए, फिर हम बताओ मुख्यमंत्री बना देंगे। जिसने जिन्होंने अपनी माँ के चरण धो के पिए और साक्षात रूप से जिन्होंने, और सबसे बड़ी ये तरीका नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब विवाह होता है सनातन पद्धति में, जो है विवाह होने के बाद जब किसी भी रीजन से विच्छेद होता है पारस्परिक, उसमें और उस विच्छेद को आज कितना समय हो गया है। इन्होंने तमाम सनातन धर्म में शास्त्रों की बात की है, मैं व्यास जी का एक श्लोक इनको पढ़ दूं, अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका शाब्दिक अर्थ, किसी को जो है पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता है। अगर आप सुनिए, कहा जरूर है लेकिन आप चरित्र पर आपको खुद अपना के देखिए, आपके आपके इस वक्तव्य से उनकी 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 पत्नी को कितनी पीड़ा हो रही होगी, जो है उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक बार भी उन्होंने कहा है कि हम अगर लगू अलग हुए तो आप आइए, अरे भाई बताइए, किसी का व्यक्तिगत जीवन जो है सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हो सकता है क्या? आप इनको मानसिक जो है इलाज की आवश्यकता है। जी जनाब, जी आचार्य जी, देखिए रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने की थी, सीता जी नहीं थी उनके साथ, रावण लेके प्रतीक रूप में लेके आया था। दूसरी बात, 2024 में एक ज्योतिषी होने के नाते हमने मोदी जी की कुंडली डिसाइड कर दी है, प्रधानमंत्री मात्र नरेंद्र मोदी बने। लेकिन इनका इनकी अभी इच्छा शांति नहीं हुई है सभा आम आदमी पार्टी। जी प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी। मैं भगवान श्री राम से कामना करता हूं कि आपके जीवन सुखमय हो 2024 में। नहीं नहीं, मैं राम हमारे लिए, हम लोग सनातनी हिंदू हैं प्रतीक भाई, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसको पोलिटिफाइज करने के प्रयास करती है, अभी कोई परिवार देखिए, बोले तो भैया इसको, बोले तो आम आदमी पार्टी को बोले तो, कोई परिवारवाद की बात कर रहा है, कोई भगवान राम की बात कर रहा है, हमारे लिए राम भगवान सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं के पुरुषोत्तम रहे, हम उनकी पूजा करते हैं, हम डेली पूजा करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बोले मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, मैं पूछता हूँ कि मिलीजुली सरकार पहले भी रही हैं, 13 दिन थी 13 महीने थी और पूरा साल था, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है एनडीए अलायंस खत्म कर देना चाहिए। अगर मिलीजुली सरकार की आवश्यकता नहीं है तो एनडीए अलायंस खत्म कर देना चाहिए, और हम लोग तो 26 लोग हैं, आप तो 38 लोगों की एनडीए अलायंस बनाने के लिए तैयार हैं। आज देश की जनता मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, आज देश की जनता पूछ रही है 2014 में जो आपने वादा किया कोई बात नहीं कर रहा है, आप मुद्दों की राजनीति करिए, जो 2014 में वादा किया था 2019 में वादा किया था, अब बोलिए जनता के बीच में जाकर के हमने ये कार्य कर दिया इसलिए हमें वोट दीजिए, हमने ये कार्य किया इसलिए वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गुमराह कर रही है, और जो डेटा ये फेंक देते हैं, कभी बोलते हैं कि हमने इतना घर दे दिया, बोलते भारतीय जनता पार्टी पूरा गुमराह कर 4 करोड़ दे दिया, इनका खुद का डेटा कहता है कि कुछ लाख 71 लाख केवल घर दिए हैं।
इनको कोई एक फोर्स बता दीजिए। प्रतीक मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी राइट द बीजेपी बीजेपी मैं ऑथेंटिक सोर्स इनको पहले बता देता हूँ फिर जवाब देता हूँ। mygov.in पे जाइए सर्च कीजिए, सर्च करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, शीश महल से बाहर निकलेंगे तब तो सर्च करेंगे, उससे बाहर निकलते नहीं। और ये करे मिली जुली सरकार, भाई साहब गठबंधन पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है जब आप शादी करने निकलते हैं ना तो दूल्हा की सीट पे बैठने के लिए धक्का मुक्की करते हैं ना तो जनता बारात कंफ्यूज हो जाती है। भैया दूल्हा किसको माने, इस पे उन्होंने कहा कि भैया एक दूल्हा डिसाइड करो, उस पे बारात लेकर निकलो। क्या 10 से शादी कराएंगे एक की, क्या पैसे डिसाइड कीजिए। और एक बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा प्रभु आराम से, प्रभात आराम से, प्रभु श्री राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति के परिचय के निश्चित रूप से पहचान है। और राजनीति अच्छी चीज की होनी चाहिए। आप लोग सीजनल राम भक्त मत बनिए, क्योंकि देश का एक एक नागरिक का सीना चीर के देखेंगे तो वो भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आया था, जो मुझे बताया गया आपने कि वो बहस होगी मिलीजुली सरकार, यहाँ पर राम मंदिर पे बात हो रही है। मैं बता दूं, मैं शिवाजी जी, मैं तो आपके कोलीग हूँ तो मैं आपको बता भी दूं, होता क्या है कि ये जनता है और जनता के पास कुछ अपने मुद्दे होते हैं, जनता कहीं दाएं बाएं मोड़ देती है तो, लेकिन फिर मैं घूम के वहीं आ जाऊंगा। आप अपने मुद्दे पे बोलिए, मिलीजुली सरकार, मिलीजुली सरकार। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो भी सरकार 10 साल बाद मोदी जी हमारे सामने हैं, सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो ठीक है, हम 10 साल का उनका हिसाब पूछ लेते हैं। आप शांत रहें। अभी IMF ने कहा है कि 2028 तक अगर यही हाल रहा तो हमारा जो GDP है उससे ज्यादा हमारा कर्जा हो जाएगा। अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 54 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, अभी हमारे ऊपर भारत में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हमारे आने वाली 3 पीढ़ियां कर्जदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज इस देश का रोज नौजवान, कम से कम 35 नौजवान रोज आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहां है? इन्होंने जो बातें कही, महंगाई 40-50 रुपए का पेट्रोल बिकता था 2014 में और 400 रुपए में गैस का सिलेंडर बिकता था, आज 1100 का सिलेंडर बिक रहा है, आज 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपए का डीजल बिक रहा है, और आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया हमने। राइट, जी, चूंकि विषय अर्थव्यवस्था से है, इन्होंने हमारे क्या हुआ, 50 रुपए ले रहा है भैया, क्या 5 रुपए में पहले कांग्रेस के जमा पंचर बनाता था ये लोग, आज 50 रुपए ले रहा है ये लोग कांग्रेसी लोग। प्रभात जी को बड़ी चिंता हुई। प्रभात जी, यह जवाब वही है जो आपने कहा था कि कैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अब जवाब मिला प्रधानमंत्री। जी प्रतीक जी, जो कि विषय अर्थव्यवस्था का था, इसमें सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। रुको, पीछे जाओ, पीछे जाओ। जी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला, मैं हमेशा हर डिबेट में लगभग जिक्र करता हूँ, आधा सच बोलना आधी बात बोलना। आपने एक प्रसंग पढ़ा ना, अशुस्थमा मारा गया उसके बाद संघ बजा देना। अरे विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मैं जिक्र करता हूँ, रुकिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय जो है इस पैनल पे, अगर मान लीजिए जनाब, रुकिए, इस पैनल पे मान लीजिए अगर 8 लोग हैं जो है, और 8 लोगों की तुलना में अगर आपके पास जो है मेरिट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डीमेरिट नहीं है, तो फैसला किस आधार पे होगा, प्रोबेबिलिटी के आधार पे होगा। इन्होंने बात की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा कर्जा जापान के ऊपर है 263% GDP के रेशियो में, उसके बाद US के ऊपर है, उसके बाद चाइना के ऊपर है, तो क्या ये सब देश डूबने वाले हैं? आपको बैलेंस शीट की पूरी बात करनी चाहिए, आप आधा बोलेंगे कर्जा इतना है। आपको ये नहीं बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, कितने ज्यादा विकास हो रहा है, वो तो बोलना नहीं है। आया दीदी, आया बिल्कुल आया। जी मैं आ गया, जी कहाँ से आना हुआ, बैठ जाइए, आओ उधर आप। जी कहाँ से आना हुआ? जी नमस्कार, जी नमस्कार, हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड से, कहाँ से उत्तराखंड में? हम देहरादून आए, देहरादून से। पहले बहुत नमस्ते आपको, क्या नाम है आपका? बीना पंत, मीरा। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुंडन में आए हुए है ना, धोते के मुंडन में आए थे, जन्मदिन धोते के। हाँ जी, हाँ जी, नोएडा। हमारा मतलब मेरे हस्बैंड और ये सब आपके शो के बहुत दीवाने, बहुत दीवाने। कई बार तो ये घर का प्रोग्राम छोड़ देते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है, ये प्रोग्राम लड़ाई हो जाती है हस्बैंड भाई में आपके शो के कारण, आपके शो के कारण हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, ये ठीक नहीं है। ये शो थोड़ा सा आप थोड़ा सा वो एडजस्ट किया करिए, शो बंद कर दिया करिए, शो बंद कर दिया, लड़ाई ठीक नहीं है। उन्हीं के हाथ में
में सब कुछ। हाँ उन्हीं के हाथ में, तो फिर सब अपने हाथ में ले लीजिए आप, ये ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी, कहाँ गए ऑटो वाले नवल जी? सर मैं अभी ये हमारे प्रभात जी ने जो है बढ़िया सनातन धर्म की कविता सुनाई, इन मंत्र पढ़ा, यही है नया भारत जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जो इन्हीं के कांग्रेस के नेता राजा राम जी ने क्या कहा, आपके कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के नेता ने कहा था कि राम जहां जन्मे हैं वहां मैं फलाना भी नहीं करने जाऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है हिंदुस्तानियों, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि इनके पार्टी के नेता भारत सोलंकी ने क्या कहा था कि जहां सोलंकी, भारत सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा था जहां राजा राम पैदा हुए हैं वहां मैं फलाना भी करने नहीं जाऊंगा। आज इनके, मैं इसीलिए हिंदुओं को कहना चाहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत बना दो। ना 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 ना, जनाब अली मैं आ गया, आ गया। क्या नाम है आपका? आजाद नूरानी। आजाद नूरानी, आजाद नूरानी, कहां से आना हुआ आजाद नूरानी साहब? नोएडा से आना। नोएडा से कुछ कहना चाहते हैं? जोर जल्दी बोलिए। हमारा देश सूफियों संत का देश है, हमारे यहाँ राम मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है। हम लोग सब मिल करके अयोध्या जाएंगे, 22 तारीख में दीपावली मनाएंगे। जी हाँ जी बोलिए। सर मैं सुल्तानपुर से हूँ, सर विजय सोनी। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे वर्धमान ने अपनी पत्नी यशोदा को छोड़ के फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी बने, वैसे अगर सिद्धार्थ जी को देखा जाए तो उन्होंने भी अपनी पत्नी यशोदा को छोड़ के वो भी महात्मा बुद्ध जी बने, वैसे मोदी जी ने भी अपनी पत्नी यशोदा बहन को छोड़ा और नाम भी मिलता जुलता हुआ है, आगे यह भी कुछ करने वाले हैं। प्रभात जी कभी कभी कोई लोग यज्ञ को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, चुपचाप बैठ जाइएगा। और प्रभात जी ने आज जो शुरुआत करी प्रोग्राम की वो ऐसा ही एक बात छोड़ दी, और अब क्या है कि लोग तर्क ढूंढ रहे हैं, वो उनका लोकप्रिय नेता है, और लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री है, वो उसके तर्क में ढूंढ के लाएंगे आपको। और ना वो शब्द ढूंढ के ले आया। और देश में परंपराएं हैं प्रभात जी, और आपको समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को पहले मौका दूंगा, वो आज आए हैं और अभी तक नहीं बोले। जी स्वागत है सोम जी। देखिए मैं तो इतना कहूंगा, राम हमारी आस्था है और हम समाजवादी पार्टी के हैं, तो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा पहली बार शो में आ रहे हैं तो स्वागत करेंगे सारे लोग, पहले ताली बजाइए इनके लिए। जी बोलिए। राम हमारे भगवान हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, पर राम पे राजनीति जो करी जा रही है वो गलत है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पे राम के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत गलत है। अगर बात होनी चाहिए तो डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। मोदी जी को ठीक है मंदिर बन रहा है, हम भी क्षत्रिय हैं, बड़ी खुशी की बात है, और हमसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है, पूरा देश खुश है, पूरी दुनिया खुश है, राम मंदिर बन रहा है। पर आप अगर वादे करें तो डेवलपमेंट के करें, रोजगार के करें, नौजवानों के लिए क्या और सुविधाएं दे सकते हैं, किसानों के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप उसे इस पर भी बात करेंगे तो 2014 से पहले बताइए कि रोड कितनी। हाँ जी आप बोलना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? रीता मिश्रा जी, कहाँ से आना हुआ? राउरकेला उड़ीसा से आए। कैसे आना हुआ पहले ये बताइए। हुआ कि हम लोग मथुरा वृंदावन के टूर पे आए हैं। अच्छा चलिए बोलिए। जब टूर कर रही थी तो मेरे कार वाले से बात हुई, कार वाले ने कहा जब हम लोग इस रूट पे गाड़ी मथुरा वृंदावन दिल्ली रूट पे जब गाड़ी चलाते थे तो पहले हम लोग को हमेशा गाड़ी एक बार दिल्ली रूट पे आने के बाद अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट चेंज करनी पड़ती थी, उसको बनवाना पड़ता था। और बोले कि गड्ढे से हमें रोड की पहचान होती थी कि इस गड्ढे पे दिल्ली के आसपास का इलाका, बड़े बड़े गड्ढे थे, गड्ढे से देश, गड्ढे से रोड की पहचान होती थी। आज वो रोड देख के हमें इतनी खुशी होती है कि अब हमने उस समय समाजवादी पार्टी के ही हाथ में यूपी की कैसी हैं आप? मस्त है। और कहाँ से आना हुआ? हम लोग सिद्धिपुरा से हैं, करोलबाग। करोलबाग से, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? बुशरा। और इनका जनाब का? शादाब। अरे शादाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना है या चुपचाप देखना है प्रोग्राम? मेरे को गाना बोलना है। तुम्हें गाना गाना है? शादाब तुमसे गाना जरूर सुनेंगे, और एक मोहम्मद रफी और आए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। बहुत बहुत दुआएं आपको, बहुत बहुत दुआएं जी। कोई हाथ उठा रहा था, आप उठा रहे थे जी। जनाब क्या नाम है आपका? सर उत्कर्ष। उत्कर्ष जी बोलिए। सर अभी प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि कौन प्रवक्ता? कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, समाजवादी वाले, आप समाजवादी
समाजवादी वाले, हाँ जी बोलिए। अरे आज पहली पहली बार आए हैं, छोड़ देना, हमें तो लगता है कि जो पहली बार आया उसको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अब आप तो छोड़ेंगे नहीं, बोलिए। सर अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उनसे पूछे इन्होंने अपने टाइम में क्या डेवलप करा, इन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जो इतने गड्ढे, अभी एक अभी मेरी बहन एक गड्ढों की बात कर रही थी, उन गड्ढों को भरने का काम मोदी जी ने कराया, जितनी डेवलपमेंट इस समय अयोध्या में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो समाजवादी ने ला रही है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ कि अयोध्या के बारे में तो, अयोध्या में मंदिर के बारे में तो डिस्कस हम कर ही रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, लेकिन तो मुझे तो विकास के जो क्रम जुड़े हैं वहाँ पे, सच मानिए मैंने वो भी देखा है अयोध्या आज से 22-25 साल पहले वाला, और मैंने आज वो अयोध्या देख रहे हैं। प्रभात जी को लेके जाएंगे कुछ लोग? हाँ जी, हाँ हाँ मैं लेके जाऊंगा जी, प्रभात जी, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं अपने भाई प्रभात जी को एक सलाह ये देना चाह रहा हूँ कि मतलब ठीक है वो बोलते हैं अपनी, सही बात है, वो शास्त्र की जो बात कर रहे थे, शास्त्र उसी में बहन को एक बुद्धि देना चाहिए, ये पट्टी उतारे अपनी जो बांधे हुए हैं, जिस पार्टी के द्वारा बांधे हुए हैं, ये अगर एक उस पर बात करें, देखिए संस्कार, शास्त्र और कर्म से ऊंचा वो होता है जो आदमी देश के लिए काम करे। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, मोदी जी अपने लिए क्या काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं? 150 अरब की योजनाएं आज अयोध्या के अंदर उतारी गई है, और जिस तरीके से राममय वहां वातावरण और जनता पसंद कर रही है ना, इनकी इस तुष्टिकरण की मानसिकता से, ये जिस तरीके से ये मानसिकता से बात करते हैं अपनी डिबेट में, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए, इन्होंने तुष्टिकरण शास्त्र की जो बात कही, मैं कह रहा हूँ वो ऐसा, प्रभात जी वेद आप पूरा एकदम पढ़े पारंगत हैं, वेद पढ़ के पारंगत हैं, मैं पत्र, देखिए मैं पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक आम नागरिक भी हूँ। ठीक, आगे प्रभात जी आगे बढ़ते हैं जी जी, वो छोड़िए बात, भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए सब लोगों ने राम अयोध्या की बातें कर दी, मैं सीता की धरती से आता हूँ जहाँ सीता की उत्पत्ति हुई है, अयोध्या में आपने राम के बगल में सीता को स्थापित। हाँ जी, ऐसे ताली बजाते हैं जैसे राम है बीजेपी को, सीता है इनकी, सीता हमारी बुआ है, सीता इनकी बुआ है, सीता इनकी बुआ है। अरे मौलाना, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो राम और सीता में भी लड़ाई लड़वाते हैं, ये वो लोग हैं, 70 साल से हमें अंडे पंचर नहीं लगवाई है, अब मैं लगाने वाला नहीं है, मोदी जी आ गया। बोले 70 साल से इन्होंने ही हमें अंडे और पंचर लगवाए हैं, बनाया बीजेपी को हुआ बना दिया, बीजेपी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीजेपी पार्टी किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, एक अन्ना सा भी कार्यकर्ता को भी मंत्री बना दिया जाए। कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस जी, देखिए जब सीता को आपने इतने विस्तृत रूप में स्थापित किया अयोध्या में, तो जहाँ वो पैदा हुई है, जहाँ राम जी का ससुराल है पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में, वहाँ भी इतना ही भव्य मंदिर बनना चाहिए, वहाँ भी रोड बनना चाहिए, वहाँ भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वहाँ भी एयरवे होना चाहिए, तभी जाके ये पूर्ति होगा, क्योंकि सीता की धरती में वहाँ पर बहुत कष्ट के रूप में सीता का मूल मंदिर जरूर होना चाहिए, जरूर। कांग्रेस, देखिए अभी जो पूरी बात हो रही है जी, राम के बारे में बात हो रही है, आप नैरेटिव अपना रख सकते, राम के राज्य पर बात हो रही है, हाँ। तो क्या है, तुलसी जी ने क्या कहा है, हाँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यानी अगर आपको दैहिक दैविक और भौतिक ताप है तो फिर वो राम राज नहीं है। अभी स्थिति क्या हो रही कि आपने इस देश को भुखमरों का देश बना दिया, 111वें नंबर पे हंगर इंडेक्स। आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब, आप सब लोग गूगल करिए हंगर इंडेक्स 2023। आप जो है अंगोला से भी पीछे पहुंच गए हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्या यूं ही दिया जा रहा, आपने 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया है, ये हकीकत। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, अरे आप जनता को भिखमंगा कहेंगे, इसी जनता ने आपको 70 साल तक आपको बनाया, सुनिए आप सुनिए, आप ऐसी बातें मत करिए ना, इस तरह तो बहुत कुछ भी हो सकता है। आप जो है इस समय प्रति व्यक्ति आय के मामले में 197 देशों में 142वें नंबर पर है,
आप 125 देशों में जो हंगर इंडेक्स 2023 लेटेस्ट आया है उसमें 111वें नंबर पर हैं। आपने एक सौ रुकिए, सारे लोग रुकेंगे, वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन जो मिल रहा है मुफ्त, उसमें आप लोगों ने भिकमंगा बना दिया। आप जो 5 रुपए किलो का चावल जो इलेक्शन में अनाउंस करके आए हैं, 450 रुपए में सिलेंडर जो आप देने की बात कर आए हैं, और जो एक फेहरिस्त आपने बताई है, श्रीवास्तव जी आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो मौके पर चौका लगा रहे हैं आप भी, है ना? जवाब लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, लोगों के आत्मसम्मान के साथ मत खेलिए। तो कहिए गलत हुआ, कहिए कांग्रेस ने गलत किया, हमने जो राजस्थान में कहा, हम उनको उचित मूल्य पर दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमको वोट तो हम मुफ्त में दे देंगे, ऐसा नहीं है। और आप अगर एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कह सकते हैं कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, तो दिल्ली वालों ने कोई अपराध किया है? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो मैं आपसे पूछा। तो बीजेपी आप इस बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली वालों ने क्या अपराध किया है कि आप 500 में नहीं दे। प्रतीक भैया, आपने अभी बोला था यहाँ पे तमाम जनता को कि अपना ठीक चाचा 450 रुपए का सिलेंडर दिल्ली वालों को भी दीजिए। जी ठीक है श्रीवास, ठीक है प्रभात जी। चाचा जी थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए, आपने अभी तमाम जनता को कहा था ना पर्स और मोबाइल संभाल के रखिए, यहाँ तमाम जनता पे आपको शक नहीं है, उनकी नीति पे शक नहीं है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसा हो रखा है तो आपने जागरूक किया। उसी प्रकार हमें इनकी नीतियों पे शक नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रवक्ता जब निकल के आत्मनिर्भर होने वाले जनता को भिकमंगा कहते हैं तो इनके राजनीतिक कुंठित सोच को दर्शाता है, इनकी कुंठित सोच को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं प्रदीप भैया, हम तो उन पार्टियों में से है जो सारे आम कहते हैं हार नहीं मानूंगा, राण नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हर रोज आत्मनिर्भर बना के देश को गीत नया गाते हैं। और ये जनता ना आत्मनिर्भरों के सशक्त है, भीख मंगी नहीं, इन कांग्रेसियों को सीटों के लिए भीख मंगा बना दी है। ये जी, 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 मैं आराम जनाब। भारत माता की। प्रतीक जी, आज वाकई में जो आज का दिन था, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या धाम स्वर्ग बन गया है। ऐसा अलौकिक दृश्य मैंने जीवन में नहीं देखा। और ये करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी, जो देश का मसीहा है। अब वो मसीहा ना होता तो धारा 307 नहीं हटती, अगर मसीहा नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बनता, अगर वो मसीहा नहीं होता तो मेरा स्वाभिमान नहीं होता। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनना है मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट में ताला बात करो। मैं क्रेडिट नहीं लेता, मैं क्रेडिट नहीं लेता। और ऋषभ जी जो बोल रहे थे ये अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि आज विपक्ष का प्राण और प्रतिष्ठा दोनों ही दांव पे लग चुके हैं। अगर सम्मान के साथ मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बोलना चाहती हूँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती। उठ जान मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। आज देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, 3री बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुका है, 2री बड़ी। ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट बनाई, तो भैया जब सुप्रीम कोर्ट बनाई तो काहे को पूछते थे डेट नहीं बताएंगे, राम मंदिर कब बनाएंगे? बीजेपी से क्यों पूछते थे? अगर हमारा योगदान नहीं था तो घुइयां छिलने के लिए पूछते थे आपने। दूसरी मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ हुए गए मुलायम, क्या मुलायम क्या काशी राम, सब मिल के